ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना 5 मार्क वाला, ये कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा और बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बोर्ड मॉडल है और आपको पेशेंस के साथ सीखना पड़ेगा। सोचिए जरा कि 2 नंबर वाला या 1 नंबर वाला, 2, 3, 4 को बनाएंगे तब ये अकेले क्वेश्चन के बराबर है, तो क्यों ना इसको बढ़िया से सीख ले। तू कहती तो जान भी दे देते, तू कहती तो प्राण भी दे देते, क्या जरूरत थी तुम्हें इस तरह से चूना लगाने की, अरे तुम बोलती तो सबसे बड़ी चीज अपना मान सम्मान भी दे देते। हेलो स्टूडेंट्स, मैं इसमनी आप लोगों का फिजिक्स टीचर एक बार और आ चुका हूं क्रैश कोर्स में मेरे बच्चों, स्टेट बोर्ड वाले बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लेकर के। शॉर्टकट में बता दूं कि स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट फिजिक्स का कोर्स ला रहा हूं जिसमें सब कुछ करवा रहा हूं। क्रैश कोर्स के अंदर हर एक चैप्टर को वन शॉट, फिर उसका एमसीक्यूज क्वेश्चन, फिर उसका शॉर्ट आंसर, अभी लॉन्ग आंसर, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होगा और कई सारी चीजें आपको बिल्कुल बंडल के रूप में दे रहा हूं ताकि आपको पढ़ाई के लिए टेंशन लेने की नहीं है। सैंपल पेपर चाहिए वो भी दूंगा, सब कुछ दूंगा, प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लेकिन इन सबसे बड़ी बात मेरे बच्चों कि ये जो व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दिख रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर से ना सबसे पहले तो रिश्ता नाता जोड़ लीजिए, इस नंबर को सेव करिए, अपना नाम और बोर्ड व्हाट्सएप पे टाइप करिए, हम लोग ग्रुप का लिंक भेज देंगे, उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइएगा ताकि हम लोग आपको अपडेट करते रहे, कुछ भी ऐसी चीजें हो तो भेज सके। साथ साथ में पीडीएफ के लिए एमिंग हाई हिंदी टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा और प्ले स्टोर से एमिंग हाई ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। फिर भी मैंने बोला आप लोगों को कि डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा, इंपॉर्टेंट लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का भी लिंक मिलेगा जहां आप लोगों को नोट्स वगैरह पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात मेरे बच्चों, बहुत मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में, शेयर तो करिएगा, व्हाट्सएप स्टेटस में अपने इस वीडियो के लिंक को जरूर डालिएगा, ग्रुप्स में जरूर डालिएगा, बहुत जरूरी है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, सारे बच्चे तैयार हो जाइए। देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बच्चों की क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको अब ये बताने वाला हूं ना कि जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होता है, 5 मार्क का क्वेश्चन होता है, 4 मार्क का क्वेश्चन होता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन किस किस तरह का क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहला तो डेरिवेशन है, आप लोगों को पता होगा, प्रूव करने वाला, जिसको बोलते हैं सिद्ध करने वाला, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है जो आज मैं करवाऊंगा इसी में, इसी क्लास में भी करवाने वाला हूं। दूसरा मेरे बच्चों न्यूमेरिकल पूछा जाता है, बड़े वाले न्यूमेरिकल, वो भी मैं करवाऊंगा मेरे बच्चों आप लोगों को। और तीसरा जो पूछा जाता है ना, वो थ्योरी टाइप का क्वेश्चन, जिसमें मेरे बच्चों कुछ डिफिनीशन बोलेगा, जैसे ऐसे बोलेगा कि अगर डेरिवेशन में पूछ रहा है कि रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, छड़ के कारण वैद्युत क्षेत्र निकाले, अगर डेरिवेशन में पूछ रहा है तो हो सकता है आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, या 2-3 थ्योरी को बना करके क्वेश्चन पूछ सकता है, या किसी किसी चैप्टर में ना आपको थ्योरी में कंस्ट्रक्शन पढ़ना होता है, जैसे ट्रांसफॉर्मर का, जेनरेटर का, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो खैर चैप्टर 1 में तो नहीं है, आगे जो भी होगा हम देते बताए जाएंगे आपको। तो ये जो क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ये ऑलरेडी मैंने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में जो चैप्टर 1 में करवाया हूं, शॉर्ट आंसर मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल जो भी चीजें हैं कि पोटेंशियल क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, वगैरह वगैरह सारी चीजें मैंने करवा दिया है, क्योंकि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में कभी कभी 2-2, 3-3 शॉर्ट को मिला करके भी पूछा जाता है। तो वो तो आज के क्लास में हम लोग सारा डेरिवेशंस आपको बताएंगे कि कौन कौन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कौन कौन न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। और आप बिलीव करिए, आप बिलीव करिए कि ये न्यूमेरिकल और ये डेरिवेशन कर लेंगे ना बढ़िया से, तो आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ना क्लियर हो जाएगा, मतलब आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि यही डेरिवेशन एग्जाम में पूछता है, न्यूमेरिकल्स तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते मेरे बच्चों, आप तैयार हो जाइए। ओके चलिए ठीक है। देखिए डेरिवेशंस की बात करूं तो आप लोगों को एक बात पहले मैं क्लियर कर दूं कि चैप्टर 1 में जो भी डेरिवेशंस है मेरे बच्चों, जो भी चैप्टर 1 में डेरिवेशंस है, उसमें ना मैं डायपोल वाला पोर्शन नहीं करवाया हूं। आप एमसीक्यूज देखोगे उसमें भी डायपोल नहीं मिलेगा, मतलब वैद्युत द्विध्रुव जिसे बोलते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी नहीं मिलेगा, लॉन्ग में भी नहीं दे रहा हूं, क्योंकि डायपोल मैं चैप्टर 2 में करवाऊंगा। डायपोल कुछ पढ़ना है चैप्टर 1 में और कुछ पढ़ना है चैप्टर 2 में, तो दोनों में जब पढ़ना है मेरे बच्चों, तो इसलिए मैं चैप्टर 2 में एक ही साथ मिला के पूरा द्विध्रुव डायपोल करवा दिए दूंगा, ठीक है, तो इसलिए उसका डेरिवेशन नहीं मिलेगा। अब अगर हम डायपोल को छोड़ दें तो मुख्य रूप से 4 डेरिवेशन है
एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है, जो गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है, समझिएगा, गॉस थ्योरम का जो एप्लीकेशन है जो हम पढ़ते हैं, तो उस गॉस के प्रमेय को यूज करके टोटल 4 डेरिवेशन पढ़ने हैं। कौन इंपॉर्टेंट है वो भी बताता हूं, देखिएगा। अगर मैं इसमें बात करूं मेरे बच्चों इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का, तो आप देखो एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड आप देखो कि सबसे पहला तो डेरिवेशन ये है कि कोई सीधा वायर है, स्ट्रेट वायर है, तार है सीधा, ऐसे सीधा तार है, तो इसके कारण आर डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पहला डेरिवेशन। दूसरा डेरिवेशन मेरे बच्चों, कोई थीन चार्ज सीट है, पतला चादर, ऐसे पतला चादर, तो चादर के कारण आप लोगों को पता है सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र का वैल्यू, यहां रॉड के कारण 2 के लेमडा बाई आर होता है। तीसरा मेरे बच्चों की अगर कंडक्टिंग हमारे पास स्फेयर है या सेल है कंडक्टिंग, तो उसके अंदर में और बाहर में कितना वैद्युत क्षेत्र, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो कि खोखला कोई गोला है या चालक से बना हुआ कोई गोला है, चालक से बना हुआ तो भरा भी रहेगा तो चलेगा, ऐसे खोखला गोला हो जो भी हो, तो उसके कारण अंदर और बाहर कितना वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो प्रूव करना है, तीसरा डेरिवेशन। और चौथा तो दो नंबरीबा है कि पॉइंट चार्ज के कारण गॉस के प्रमेय से, गॉस थ्योरम से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सबको पता है K³ r²। तो गॉस के एप्लीकेशन थ्योरम को यूज करके ये 4 डेरिवेशन हमको चैप्टर 1 में देखने, अगर डाइपोल को छोड़ दे तो ठीक। अब इन चारों का को मेरे इंपॉर्टेंट कौन है वो पहले आपको बता देता हूं, 1 सेकेंड। हाँ, तो इन चारों डेरिवेशन में इंपॉर्टेंट कौन सा डेरिवेशन है वो भी आपको बता देता हूं, साथ साथ में मेरे बच्चों कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरी एक्सपेक्टेशन है वो भी बताता हूं, देखिए समझिएगा। तो इसमें ना मेरे बच्चों ये 3 वाला डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी, वैसे तो एक रॉड वाला भी होता है, रॉड वाला भी, बट ऑलमोस्ट 3 वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछने का चांस है, बट आप ये चारों कर लीजिएगा। कहां से करेंगे, तो आप व्हाट्सएप पे अगर जुड़े हुए होंगे तो वहां भी मैं लिंक भेज दूंगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना मैं गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन का पूरा, अभी मैं न्यूमेरिकल करवाता हूं, क्लास खत्म नहीं हुआ, तो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन का पूरा एक क्लास का जो वीडियो, वो वीडियो ही मैं डाल दूंगा, पूरा एक वीडियो है, एक लेक्चर में पूरा पढ़ा दिया हूं, ये चारों डेरिवेशन उसमें मिल जाएगा, तो वो डेरिवेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। उसमें इसको जरूर कर लीजिएगा कि कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर और अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये डेरिवेशन वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मेरे भाई आते हैं न्यूमेरिकल पे, आ जाएं जल्दी 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 न्यूमेरिकल, जो मैंने शुरू में ही बोला ना कि डेरिवेशन न्यूमेरिकल करवा दूंगा, थ्योरी टाइप का तो क्वेश्चंस आते रहेगा, वो तो देखेंगे ही आप धीरे धीरे करके, चैप्टर 1 में नहीं चैप्टर 2 में, जैसे वैन डी ग्राफ जनरेटर थोड़ा देखना होगा, थोड़ा कैपेसिटर से भी क्वेश्चन आता है, तो वो सब चीजें देखनी होगी, वो देखेंगे, परेशान नहीं होइए, इतना कर लीजिएगा काफी है, एनफ है, एकदम काफी है। चलिए तो आते हैं न्यूमेरिकल में। अब सबसे पहला क्वेश्चन, सर आप लोग कॉपी में न्यूमेरिकल को नोट करिएगा, पहले डेरिवेशन को नोट कर लीजिएगा, डेरिवेशन के बाद ना न्यूमेरिकल को नोट करिएगा, वो चारों डेरिवेशन को नोट करके इसको नोट करिएगा। करा दो वस्तुओं के बीच आवेश विनिमय के क्रम में यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु को प्रति सेकेंड 10^9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, तो एक कूलम्ब आवेश में कितना समय लगेगा। देखिए करा मेरे बच्चों ना कि आपका चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, इस चीज को पढ़िए, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपका चार्ज एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक, और प्रति सेकेंड, एक सेकेंड में 10^9 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, देख रहे हैं, एक सेकेंड में मेरे बच्चों 10^9 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। यह सारे क्वेश्चन का ना लिखा हुआ जो इमेज होता है सॉल्यूशन में, अच्छे से लिखा हुआ इमेज नहीं होगा तो वीडियो को लास्ट में मैं लगा दूंगा, वीडियो की एंड में लगा दूंगा, ऐसे करके तो आप लोग को दिख जाएगा वहां पे, ठीक है, या भी सॉल्यूशन कर करके मैं लगा दूंगा तो वहां भी देख सकते हैं आप। करा कि मेरे बच्चों बस एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन जा रहा है और एक सेकेंड में 10^9 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो एक कूलम्ब चार्ज होने में इसमें कितना समय लगेगा। तो देखिए बताइए सबसे पहले कि एक सेकेंड में 10^9 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यानी चार्ज कितना जा रहा है एक सेकंड में, तो एक सेकंड में चार्ज निकालेंगे q=ne, n की वैल्यू 10^9, e की वैल्यू 1.6 × 10^-19, सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों तो यहां से आ जाएगा 1.6 × 10^-13 कूलम्ब, नहीं 9 से माइनस 19 जाएगा तो माइनस 13 आ जाएगा ना, नहीं 13 नहीं आएगा, माइनस 10 कूलम्ब आ जाएगा, ठीक है, हाँ
यानी कि एक सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन बोलिए या इतना चार्ज बोलिए, इतना चार्ज इससे इसमें ट्रांसफर हो रहा है एक सेकेंड में। तो सोचिए आप इसको अभी यूनिटरी मेथड लगा दीजिए कि 1.6 × 10⁻¹⁰ कूलॉम जा रहा है एक सेकेंड में, इतना कूलॉम एक सेकेंड में, तो एक कूलॉम कितना देर में जाएगा, तो 1/1.6 × 10⁻¹⁰ सेकेंड, ये सेकेंड में निकलेगा। इसको एयर में बदल लीजिएगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आइडिया लगा? फिर से क्वेश्चन देखिए कि एक सेकेंड में 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो एक कूलॉम चार्ज जाने में कितना समय लगेगा। तो एक सेकेंड में अगर 10⁹ इलेक्ट्रॉन जा रहा है मेरे बच्चों, तो एक सेकेंड में चार्ज कितना जा रहा है, तो क्यू इक्वल टू एनी से इलेक्ट्रॉन का नंबर था, मैंने चार्ज निकाल लिया, चार्ज पता हो गया मेरे बच्चों। ऐसे वो ये बहुत बड़ा वाला न्यूमेरिकल नहीं है, ऐसे इस तरह के न्यूमेरिकल आपसे पूछेंगे तो दो या तीन न्यूमेरिकल देगा पांच नंबर में, इसलिए मैं, लेकिन हाँ न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं करवा रहा हूं यहां पे। तो मैंने बोला कि एक सेकेंड में इतना कूलॉम चार्ज जा रहा, उतना इलेक्ट्रॉन बोलिए इतना कूलॉम, तो इतना कूलॉम को जाने में एक सेकेंड, तो एक कूलॉम को जाने में यूनिटरी मेथड से लगा दीजिए मेरे बच्चों, टाइम आपका निकल जाएगा, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो इतना आएगा, ये 10⁻¹ ऊपर जाएगा ना, और 1/1 होता है 0.625, तो 0.625 ठीक है इंटू 10⁻¹⁰ सेकेंड ये होगा मेरे ख्याल से, चेक कर लीजिएगा ऐसे, तो इतना आ जाएगा। नोट करिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे मेरे बच्चों दिख रहा है, नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके चलिए अगला क्वेश्चन इसके बाद देखिए, टू नंबर, दो नंबर में क्या कहा जा रहा है, पढ़िए दो नंबर क्वेश्चन पढ़िए तो जल्दी से। कह रहा है कि एक अल्फा कण, आप लोग को दिख रहा है एक अल्फा कण जिस पर इतना कूलॉम्ब आवेश है, ओके अल्फा कण पे तो आवेश उतना ही होता ही है, अल्फा कण पे आवेश कितना होता है 2e के बराबर, और e पे होता है 1.6 × 10⁻¹⁹, तो 2e पे उतना। कह रहा है एक सोने के परमाणु के नाभिक से इतने मीटर के दूरी पे स्थित है, ओके सोना का जो परमाणु का नाभिक होता है सोना का, उससे दूरी दे रखा है। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि सोने का नाभिक और अल्फा कण के बीच कितना दूरी लगेगा कूलॉम्ब के नियम। देखिए अल्फा कण मेरे बच्चों आप लोग को पता है अच्छे से कि अल्फा कण होता है 2e के बराबर, एक सेकंड देखिए, मुझसे ज्यादा बढ़िया से आप लोग को पता है कि अल्फा कण होता है 2e के बराबर मेरे बच्चों, ये देखिए, तो इस पे चार्ज 2e हो गया, तो 2 × e की वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹ सॉल्व करेंगे आ जाएगा 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलॉम, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है चार्ज, नहीं भी देता तो चलता। अब इसको सोना के नाभिक से रखे हैं और सोना के नाभिक का परमाणु संख्या 79 है, तो परमाणु संख्या क्या होता है कि नाभिक के अंदर कितने प्रोटॉन है, इसका मतलब नाभिक के अंदर 79 प्रोटॉन है, तो इस पे 79 प्रोटॉन, तो इस पे चार्ज कितना होगा 79 ही, और नाभिक है तो प्लस में, न्यूक्लियस तो प्लस में ही होता है ना, अल्फा कण अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम का न्यूक्लियस, और सोना होता है मेरे बच्चों आपका ये सोना, तो सोना का न्यूक्लियस हो गया, तो 79 और e की वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹, तो दोनों पे चार्ज पता हो गया, दोनों के बीच दूरी देख रखी है 12 × 10⁻¹⁵ मीटर, तो Q1 पता है, Q2 पता है, R पता है, फोर्स पूछ रहा है, कूलॉम के नियम से कूलॉम्स लॉ से निकाल दीजिए, F = K की वैल्यू 9 × 10⁻¹⁹, Q1 की वैल्यू मेरे बच्चों 3.2 × 10⁻¹⁹, Q2 की वैल्यू मेरे बच्चों 79 × 1.6 × 10⁻¹⁹, अब बीच का जो डिस्टेंस है 12 × 10⁻¹⁵ इसका होल स्क्वायर, सॉल्व कर लेंगे यहां से मेरे बच्चों, तो आपका फोर्स आ जाएगा इतना, लगभग चेक कर लीजिएगा ठीक है, कैलकुलेशन करिएगा पावर उबर को, अगर 12th में है फिर बोलेंगे सर आप कैलकुलेशन कर दो, कोई फायदा नहीं होगा बाबू, मैं कर भी दूंगा उससे आपको क्या फायदा होगा, आप एग्जाम में थोड़ी ना कर पाओगे, समझ रहे, मैं तो यहां करवा भी दूं, लेकिन दिक्कत यह है कि यहां खुश होने के लिए सिर्फ थोड़े ना पढ़ रहे हैं, आपको एग्जाम में भी तो सॉल्व करना है ना, है कि नहीं, मेनली वजह तो हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि एग्जाम में सॉल्व हो, तो आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए कैलकुलेशन, नोट करिए इसको, थर्ड नंबर क्वेश्चन मेरे बच्चों, तीसरा नंबर, इसको बढ़िया से थोड़ा मिर्च मसाला लगा के लिखिएगा, Q1 पता है Q2 पता है, लिख के लिखिएगा बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, तीसरा में क्या कहा जा रहा है, थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो आवेश है, इतना कूलॉम तथा इतना कूलॉम है, ठीक है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर,
यदि प्रत्येक पर इतना न्यूटन बल लग रहा हो तो उसके बीच माध्यम कितना होगा? अच्छा, Q1 Q2 फोर्स दोनों दिया है, तो माध्यम का अपेक्षिक परावैद्युतता यानी रिलेटिव परमिटिविटी पूछ रहा है मीडियम का। देखिएगा मेरे बच्चों, फोर्स दे रखा है, Q1 दे रखा है, Q2 दे रखा है, ओके समझिएगा। तो मुझे एक बात बताइए कि हवा में दो आवेशों के बीच कितना फोर्स लगता है? O1/4πε0 Q1 Q2/r2 यही लगता है ना। लेकिन हवा को छोड़ के अगर कोई दूसरा मीडियम हो तो वहां एक अपसलन आर भी आता है। सही बोला क्या? देखिए तो आता है ना। तो अगर मेरे बच्चों यहां मैं एफ की बात करूं तो एफ साफ साफ दे रखा है कितना, 5×10^2। मतलब सारा क्वेश्चन को लिखते चलिए, इतना न्यूटन, O1/4π अपसल। अच्छा एक चीज और देखिए क्या कि डायरेक्टली ये जो दिख रहा है आपको, ये यहां से यहां, ये अपसलन आर को सिर्फ छोड़ दे, अगर इसको छोड़ दे तो यहां से यहां जो दिख रहा है उसकी वैल्यू 9×10^9 होती है ना। अगर आप सलेन का वैल्यू पुट करेंगे तो फिर हार्ड हो जाएगा। तो ये 9×10^9 हुआ, 1/4πε0 टोटल होता 9×10^9, नीचे बन गया अपसलन आर। Q1 की वैल्यू रखा है मेरे बच्चों कितना, 30×10^-9, देख लीजिए 30×10^-9। Q2 की वैल्यू रखी है कितने का, 20-20 तो लेंगे नहीं, मैग्नीट्यूड लेते हैं, इतना × 9 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना हमको दे रखा है, 5×10^-5। अब इसको सॉल्व करके मेरे बच्चों आप निकाल लेंगे, ठीक है, इसको इधर भेजिएगा, इसको इधर भेजिएगा, वहां से देखिए निकल जाएगा अपसलन आर की वैल्यू। अगर अपसलन आर निकालेंगे तो इधर डिवाइड में आ जाएगा मेरे बच्चों, डिवाइड में आएगा तो 9×10^9, और सॉल्व करेंगे वहां से देखिए 3×6 600×6×-18 और नीचे में आ जाएगा 5×10^-5, और सॉल्व करेंगे तो पापा चे 25×10^-10, और सॉल्व करेंगे इसके बाद मेरे बच्चों तो 10×5=15, और अगर काट छाट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा लगभग। मैं चेक कर लीजिएगा अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो, लेकिन ऐसे ही बनेगा। आपको एफ पता है, क्यू वन क्यू टू आर पता है, और 1/4π एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9×10^9 पता है, यहां से एप्सिलॉन निकाल लेंगे। जल्दी जल्दी सारा न्यूमेरिकल करवा देता हूं, इसे नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों, 4 नंबर, चलिए देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4 नंबर पढ़िए बढ़िया से। कह रहा है यदि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर, ठीक है, आपका राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे बच्चों, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें दोनों दो साइड इक्वल है, राइट एंगल भी है, साइड मेरे बच्चों कह रहा है ट्रायंगल, डायगोनल हमारा 10 सेंटीमीटर का दिया है डायगोनल, और 1 μC प्लेस किया गया है इच कॉर्नर पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल। मतलब ये कह रहा है, देखिए आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल वाला मेरे बच्चों ये दिख रहा है आप लोगों को, यस सर दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, जी सर दिख रहा है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हर एक साइड, मतलब डायगोनल 10 सेंटीमीटर का है, तो ये साइड कितने का होगा? अगर इस साइड को ए और इसको ए मान ले, तो आपको अच्छे से पता है कि इन दोनों का मेरे बच्चों √√a² + a² पाइथागोरस थ्योरम से, कि इन दोनों का स्क्वायर का रूट आपका 10 होगा, इधर करेंगे 100 हो जाएगा मेरे बच्चों 2a² 10^100 के बराबर, a² 50 के बराबर मेरे बच्चों। तो यहां से आप a की वैल्यू चाहे तो निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आ जाएगा आपका 10√2, ठीक है, 10/√2 कहने का मतलब आ जाएगा 10/√2 सेंटीमीटर आ जाएगा, या √2 पर रेशनलाइज कर देंगे तो कितने का होगा, 5√2 क्या, √2 कर देंगे ऊपर नीचे अगर इनटू, तो कितने का होगा, हाँ ऊपर √2 कर देंगे तो 2, 5, हाँ 5√2 आ जाएगा, ठीक है 5√2 आ जाएगा। चलिए लिख देता हूं मैं, तो साइड हमारा आ गया मेरे बच्चों 5√2, ठीक है, तो ये भी 5√2, ये भी 5√2। तो अब कह रहा है कि इस कॉर्नर पे यहां यहां और यहां तीनों जगह 1 μC और यहां भी मेरे बच्चों 1 μC का चार्ज रखे हैं, तो इस ये जो मिडल पॉइंट है, इस मिडल पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये पूछा रहा है मिडल पॉइंट पे। मान लीजिए मिडल पॉइंट हम O मान लेते हैं, ठीक,
तो पहला बात कि ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा किस किस चार्ज के कारण, क्वेश्चन समझ गए होंगे। डायगोनल दिया था तो हम ये दोनों साइड निकाल लिए, 5√2 ये भी आ गया और 5√2 सेंटीमीटर हमारा ये भी आ गया, ठीक है। अब हमको ओ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो बात है कि ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा किसके किसके कारण, तो ए के भी कारण, बी के भी कारण, सी के भी कारण। तो चार्ज ए तो हमारा प्लस है मेरे बच्चों, तो इस प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर आएगा, आएगा क्या, प्लस है तो यस ए का इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया इधर ये, और सी भी हमारा प्लस है तो सी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा ई सी, ए के कारण सी के कारण। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि क्या आपको लग रहा है कि ई ए और ई सी बैलेंस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस, यहां से ये डिस्टेंस और यहां से ये डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस भी सेम, चार्ज भी सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे के क्यू बाई आर स्क्वायर इसके कारण यहां, और इसके कारण भी निकालेंगे के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो दोनों का वैल्यू ई ए और ई सी का सेम आएगा, और डायरेक्शन उल्टा है तो दोनों वेक्टर एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा, तो ये दोनों का तो नेट जीरो हो गया। अब बच्चा हमारा ई बी, तो ई बी के कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो जस्ट इधर आएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो ओनली ड्यू टू चार्ज ई बी होगा ना। अब ई बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमको ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा कि ये डिस्टेंस कितने का है, वो तो करना पड़ेगा, तो देखिए कैसे निकलेगा, समझिए, देखिए ये ए और सी का बैलेंस कर लिया, सिर्फ बी का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो बी के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको ये एंगल तो खैर 90 हो जाएगा, यस 90, क्योंकि ये दोनों साइड सेम है, ऐसे परपेंडिकुलर खींचेंगे बीच से तो 90 हो जाएगा, ओके हाँ। तो ये टोटल 10 है, तो ये डिस्टेंस कितने का होगा, या इधर कहीं भी निकालिए, ये टोटल 10 तो ये हो जाएगा हमारा 5 के बराबर, देखिए 5 सेंटीमीटर होगा, यस, और ये 5√2 है मेरे बच्चों, तो क्या ये निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल से, ये ओ नाम है तो ए ओ बी देख लीजिए, उसमें भी जरा निकाल देता हूं, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है, तो ए ओ बी में अगर बी ओ निकालेंगे, बी ओ तो देखिए ये 90 के सामने ये हाइपोटेनस, यानी कहने का मतलब ये कर्ण का काम करेगा और ये साइड, तो बी ओ जो होगा रूट अंडर 5√2 का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस चाहिए ना इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो 5√2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर ऐसे निकालेंगे, ठीक है, तो 5√2 का निकालेंगे तो पापा 25 माइनस 25 रूट अंडर 25, यानी ये आ जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर, ये वाला आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे भी देखिए 5 या 5 रहेगा तो ये 5√2 आ जाएगा 90 के सामने, ये इस ट्रायंगल में, इस त्रिभुज में। अब निकाल लीजिए, तो यहां लिख सकते हैं हेयर, यहां इलेक्ट्रिक, हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली ड्यू टू, हिंदी में भी लिख सकते हैं हिंदी वाले बच्चे, कि यहां वैद्युत क्षेत्र सिर्फ चार्ज हमारा किसके कारण आएगा, बी के कारण आएगा, क्योंकि ए और सी का इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली ड्यू टू चार्ज बी, निकाल लीजिए बी का इलेक्ट्रिक फील्ड, वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो आप लोगों को पता है कि ई बी निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, यही तो होता है, के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, क्यू की वैल्यू 1 μ तो 1 × 10⁻⁶, अब बीच का जो दूरी है 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो 5 × 10⁻², तो के क्यू बाई आर स्क्वायर सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों तो ये आ जाएगा आंसर, देख लीजिए 3.6 × 10⁶, देख चेक कर लीजिएगा ना किया, ओके तो ये आपका आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों। देख लीजिए फिर से मैं कह रहा हूं कि ट्रायंगल के कॉर्नर पे 3 चार्ज था, ठीक, ए बी सी, और ये इसके बीच में जो विकर्ण होता है डायगोनल, इसके बीच पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ए बी सी तीनों के कारण आएगा, ए के कारण इधर, बी के कारण इधर और सी के कारण इधर, तो ये दोनों बैलेंस कर लेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली बी के कारण आएगा, ओके, क्योंकि दोनों उल्टा है तो बैलेंस कर लेगा ना, बी वाला बच जाएगा तो बी का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। चलिए इसे नोट करिए, इरेज करता हूं, नोट करिए, चलिए अगले क्वेश्चन पे, ओके 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, बनाना तो पड़ेगा मेरे बच्चों, नहीं बनाएंगे तो कोई उपाय नहीं है। 5 में पढ़िए क्या कह रहा है, कह रहा है 12 सेंटीमीटर का ना कोई मेरे बच्चों स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक, ओके हाँ, और उसके सरफेस पर जो चार्ज दिया है वो 0.16 μC,
तो आपको पता है कि स्फेरिकल कंडक्टर तो उसके बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वैद्युत क्षेत्र सिर्फ कंडक्टर के बाहर में होता है, अंदर तो जीरो होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकाले, पी पर, बिंदु बिंदु पी पर निकाले। पी कहां है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे बच्चों? स्फेयर के अंदर है, इनसाइड ऑफ द स्फेयर, बी में आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड, ठीक है ना। यहां जस्ट कर लीजिएगा, जस्ट आउटसाइड, आउटसाइड नहीं, जस्ट बाहर, और 18 सेंटीमीटर निकाल लीजिए। चलिए देखिएगा ध्यान से, ए का तो ऐसे ही जीरो हो जाएगा, इनसाइड द स्फेयर में जीरो आंसर, क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो ऑप्शन ए में पहला में तो ई हमारा जीरो आ जाएगा। आप लोग को ये चीज पता है, नेक्स्ट सेकंड में बता ही देता हूं इस चीज को। देखिए अगर थोड़ा भी आपको याद होगा तो, कि अगर हमारे पास कोई भी चार्ज स्फेयर ऐसे है और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, यहां से यहां तक जीरो होगा, ठीक। और जस्ट सरफेस पर, यहां सरफेस पर, तो सरफेस पे दूरी कितना होगा, और कैपिटल आर त्रिज्या के बराबर, रेडियस के बराबर दूरी हो जाएगा। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र आता है, के क्यूब आई आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। और इस जगह पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले बाहर में, मान लीजिए केंद्र से स्मॉल आर की दूरी पर, सेंटर से स्मॉल आर, तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड आता है के क्यूब आई आर स्क्वायर, बस। तो ए का तो आंसर जीरो हो गया, ई इक्वल टू जीरो। बी अगर निकाले तो ई इक्वल टू होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर रेडियस लेंगे क्योंकि जस्ट बाहर पूछ रहा है, जस्ट बाहर। तो के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 मेरे बच्चों। क्यू चार्ज की वैल्यू कितना है, 0.16 माइक्रो कूलम्ब, यानी 0.16 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6। और आर की अगर बात करें तो रेडियस जो है मेरे बच्चों वो किसके बराबर है, 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर बदल लीजिए, 12 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 सेंटीमीटर बदल गया मीटर में, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर आप चेक करोगे तो यह आ जाएगा लगभग, ऐसे कैलकुलेशन आप चेक कर लेना। सी में कह रहा है कि 18 सेंटीमीटर, ये स्फेयर से 18 सेंटीमीटर के दूरी पे यहां कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो ऑब्वियस सी बात, यहां भी ई इक्वल टू के क्यू आई आर स्क्वायर, बस जितना दूरी है बोलेंगे। तो के की वैल्यू सेम 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, क्यू की वैल्यू 0.16 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 माइक्रो में है, तो और 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस है ना, 18 सेंटीमीटर ना सेंटर से यहां तक, तो 18 सेंटीमीटर को अगर मीटर में ले तो 18 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर देख लीजिए। तो यहां से भी हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा 4.4 इंटू 10 टू दी पावर 3। चेक कर लीजिए, आसान क्वेश्चन है, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है। इसका ग्राफ अगर देखिएगा, ग्राफ अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ, जगह कम इसलिए ही बना दो, देखिए तो यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो होगा यहां से। अब बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यूब आई आर स्क्वायर, तो ऐसा ग्राफ होगा, ये देखिए देख रहे हैं, यहां से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यूब आई आर स्क्वायर, ऐसा होगा, देख लो। तो ये ऐसा ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। पोटेंशियल कैसे होता है, पोटेंशियल तो अभी थोड़ी अगले चैप्टर में ना, चलिए बच्चे जानते हैं, अगर अच्छे से एक बार डिटेल कोर्स पढ़ लेंगे ना तो जेई नीट के लिए टेंशन नहीं लेना, ठीक है। लेकिन दिक्कत यहां पे ये कई बार हो जाता है ना कि YouTube पे जब आप अच्छे से न्यूमेरिकल, जैसे न्यूमेरिकल वाला मैं एक वीडियो बना रहा हूं, देखिएगा इसमें ऑलमोस्ट कम व्यू आएगा, देखिएगा सबसे कम व्यू आएगा, क्योंकि जब भी न्यूमेरिकल पोर्शन की बातें आती है तो आजकल दुनिया क्या है, शॉर्टकट में चला जाता है, तुरंत में बच्चों को लगता है कि शॉर्टकट में सेकेंड के अंदर मिले। और फिर जब पूछते हैं लोगों से कि सर आपके जैसा सफल कैसे बने, या उनके जैसा सफल कैसे बने, या फला जो साइंटिस्ट थे उनके जैसा कैसे सक्सेसफुल बने, एपीजे अब्दुल कलाम के जैसा सक्सेसफुल कैसे बने, तो आप किसी भी इंसान का सफलता अगर अपनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो जो मेहनत किए हैं, वो जो अपने लाइफ में अप और डाउन देखे हैं, उसको भी आपको अपनाना पड़ेगा। आप ऐसे किसी के हिस्से की खुशियां और अपने ही लाइफ में चाहेंगे कि वैसा मुझे मिले, तो वो जो परिश्रम, वो तकलीफ, वो लाइफ में शॉर्टकट नहीं मारे हैं, तो आपको शॉर्टकट से बचना पड़ेगा। और वो जिस तरह से तकलीफ झेले हैं, जिस तरह से परेशानियां झेले हैं, जिस तरह से हार्डवर्क किए, जिस तरह से जागे हैं रातों को, उस तरह से आपको भी जागना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको सक्सेसफुल चाहिए, आपको मैं बोल दिया, देखिएगा ये न्यूमेरिकल वाले में कम व्यू आएगा, एकदम वीडियो में कम व्यू आएगा, क्योंकि बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, यही होता है ऑलमोस्ट जब भी क्वेश्चंस करने की बारी आती है। और इसी वजह से जब भी जेई नीट का कंटेंट डालने की कोशिश करता हूं, व्यूज नहीं आते तो मैं भी डिमोटिवेट हो जाता हूं। बट हाँ, ये है कि आप लोग शेयर करोगे तो काफी अच्छा रहेगा, डिटेल वाला कोर्स पढ़िएगा फिर समझ में आएगा कि क्या लेवल मैंने पढ़ाया है। चलिए 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन मेरे बच्चों, देखिए अगला 6 नंबर क्या कर रहा है।
एक समान वैद्युत क्षेत्र E, यानी ये चार्ज पार्टिकल ऑफ मास M, ठीक है M, उसके पास मेरे बच्चों चार्ज प्लस Q है, इज थ्रोन विथ अ स्पीड U इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है ओके देखिए मेरे बच्चों मान लीजिए कि इधर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्वेश्चन देखिएगा, इधर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए ज़ूम करिए, ठीक यस, तो इधर अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है मेरे बच्चों, तो ऑब्वियस सी बात या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में यहां पे कोई चार्ज है प्लस क्यू, तो प्लस क्यू को मैंने फेंका ईयू स्पीड से किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर है उसके अपोजिट में, उल्टा में मैंने फेंका, तो जैसे ही ये प्लस चार्ज है तो आपको पता है कि जो प्लस पे फोर्स लगेगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही प्लस पे फोर्स लगेगा, तो फोर्स लग रहा है प्लस पे इधर, यानी एक्सीलरेशन है इधर या फोर्स लग रहा है इधर, और आप यू से फेंके हैं इधर, तो इसका स्पीड कमेगा नहीं, आप फेंकोगे इधर फोर्स लग रहा है उधर, तो स्पीड कमेगा, यानी निगेटिव एक्सीलरेशन होगा या निगेटिव फोर्स बोलिए, तो स्पीड कमेगा तो आगे जाके ये कहीं रुक जाएगा, इसकी जो स्पीड भी हो जाएगी फाइनल स्पीड भी वो जीरो हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने रेस्ट में आने से, हाउ फार विल द पार्टिकल ट्रैवल या मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट में आने के पहले ये पार्टिकल कितना चलेगा, तो निकाल दीजिए, शुरू का स्पीड यू पता ही है, भी पता ही है, बस ए निकाल लीजिए, तो पहले बताइए कि फोर्स कितना लगेगा पार्टिकल पे, एफ बल, तो फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू, इस सबने पढ़ा है ना कि अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड में ई वैद्युत क्षेत्र में क्यू आवेश रखते हैं तो उस पर जो बल लगेगा वो क्यू इंटू ई लगेगा, तो फोर्स तो निकल गया, तो फोर्स के कारण जो एक्सीलरेशन आएगा यानी जो त्वरण आएगा, त्वरण एक्सीलरेशन ए, तो ए कैसे निकलेगा, एफ बाई एम, एफ इक्वल टू एम में तो ए की वैल्यू एफ बाई एम होती है ना, एफ इक्वल टू एम में तो ए की वैल्यू एफ बाई एम, एफ हो गया क्यू ई के बराबर मेरे बच्चों देख लो, अब मास हमारा एम हो गया तो एक्सीलरेशन निकल गया क्यू ई बाई एम, अब एक्सीलरेशन ये निगेटिव होगा, क्यों, बॉडी जा रहा इधर और एक्सीलरेशन हमारा इधर होगा क्योंकि जिधर फोर्स लग रहा उधर एक्सीलरेशन होता है, यही बोले कि बॉडी जा रहा है इधर और स्पीड कम रहा है इसलिए एक्सीलरेशन निगेटिव होगा, जो बोलिए, तो आपको ये निकल गया ए, तो अब लगा दीजिए काइनेमेटिक्स वाला फॉर्मूला जो शुद्ध गति के पढ़ते हैं उसका फॉर्मूला, यू पता ही है, भी पता है, ए पता है, एस कह रहा है, तो लगा दीजिए भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, पढ़े होंगे भी की वैल्यू हो गई जीरो का स्क्वायर, यू यू दिया हुआ है, टू हुआ टू, एक्सीलरेशन की वैल्यू माइनस क्यू ई बाई एम ना, क्योंकि एफ लगेगा क्यू ई, बल लगेगा क्यू ई, तो एक्सीलरेशन निकालेंगे तो एफ बाई एम होता है, इनटू डिस्टेंस हमारा एस हो गया, ये फार्मूला पढ़े होंगे नाइन्थ में, यहां से एस निकाल लीजिए, एस निकाल लिएगा यहां से मेरे बच्चों, तो एस की वैल्यू आ जाएगी कितना, यू स्क्वायर एम, अब बाई कितने का मेरे बच्चों, टू क्यू ई आ जाएगा, इस देख रहे हैं यू स्क्वायर एम बाई टू क्यू ई, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ये देखिए सॉल्व करिएगा इसे, सॉल्व बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, सेवन थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, सेवन और एट थोड़े नहीं, मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा, थोड़ा बढ़िया वाला क्वेश्चन है सेवन और इसके बाद एट है दोनों जो, पहले आप क्वेश्चन समझिए कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, देखिए कह रहा है कि 0.1 मीटर भुजा वाले एक घन के भीतर, घन दिख रहा है आप लोगों को भीतर, विद्युत क्षेत्र के घटक दिखाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया गया है 0.1 मीटर, इसका साइड है मेरे बच्चों ये साइड 0.1 मीटर, ओके, तो 0.1 मीटर का साइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया गया है और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है हर जगह पे, अल्फा एक्स मतलब दिशा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स अक्ष की ओर है, क्यों, क्योंकि वाई में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वैद्युत क्षेत्र, और जेड एक्सिस की ओर, जेड अक्ष की ओर भी जीरो है, देखिए पढ़िए, वाई में भी जीरो है वैद्युत क्षेत्र, जेड में भी जीरो है, तो वाई की ओर भी वैद्युत क्षेत्र नहीं है और जेड की ओर भी नहीं, सिर्फ एक्स की ओर है, बट लेकिन ई की वैल्यू कितनी दे रखी है प्यारे बच्चों, देखिए तो अल्फा एक्स दे रखा है ना, और अल्फा का मान दिया 500, तो 500x इलेक्ट्रिक फील्ड का मान दे रखा है, ये देखिए, तो जैसे जैसे x बदलते जाएगा वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र E का मान बदलते जाएगा, ठीक है, तो पहला कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यूब से टोटल कितना फ्लक्स पास करेगा, वो क्यूब से, पहला तो प्रश्न ये, पहला मैं पहले बनाता हूं, देखिए कितना
फ्लक्स पास करेगा। इसके पहले एक बात बताइए हमको मेरे बच्चों कि इस जगह पे वैद्युत क्षेत्र और इस जगह पे वैद्युत क्षेत्र, क्या दोनों जगह वैद्युत क्षेत्र समान आएगा? नहीं, क्योंकि यहां के लिए x अलग दूरी है और यहां के लिए x अलग है और वैद्युत क्षेत्र x पर निर्भर कर रहा है, तो x का मान अगर अलग अलग रखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र भी हमारा अलग अलग, यहां पे अलग आएगा यहां पे अलग आएगा। चलिए देखिए मैं इस फिगर को दोबारा रिक्रिएट करता हूं, अगले स्लाइड में फिर आपको समझ में एग्जैक्टली आ जाएगा कि कहां क्या जा रहा है। देखिएगा ओके, क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, समझिए इस चीज को। देखिए आपको एक क्यूब दिया है ऐसे, ये देखिए आपको एक क्यूब दिया है ऐसे मेरे बच्चों, ध्यान से थोड़ा पढ़िएगा। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, मैं वो भी करवाऊंगा और करवाया भी हूं पहले भी, लेकिन उस क्वेश्चन में ये अंतर है ना कि उसमें वैद्युत क्षेत्र एक समान है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान है, ठीक। हाँ, और आपको यहां से यहां तक की लंबाई 0.1 मीटर है और ऐसे करके, ये देखिए आप देख रहे होंगे, ऐसे करके हमारा क्यूब रखा गया साफ एकदम, यस। तो पहले तो ये बताइए कि वैद्युत क्षेत्र अगर इधर की ओर है, एक्स की ओर है, तो ये ऊपर वाला जो सतह है उससे नीचे वाला जो सतह है उससे इन दोनों से फ्लक्स जीरो होगा। क्यों? क्योंकि अगर डिटे ऊपर वाले सतह की बात करेंगे, देखिए ऊपर वाले सतह की बात करेंगे तो ऊपर वाले सतह पे जो एरिया वेक्टर होगा, देखिए ऊपर वाला जो सतह है, ऊपर वाला, इस पे एरिया वेक्टर ऊपर होगा मेरे बच्चों ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक्स अक्ष की ओर है ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, एरिया वेक्टर इधर, तो दोनों के बीच कितना कोण हो गया 90 डिग्री का, और जब दोनों के बीच कोण 90 डिग्री का हो गया तो फ्लक्स जीरो, क्योंकि फ्लक्स होता है ई ए कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्षेत्रफल इंटू कॉस थीटा, तो थीटा 90 टू जीरो। नीचे वाले के लिए क्या होगा, जो नीचे वाला सरफेस है, ये नीचे वाला ऐसे, तो नीचे वाला के एरिया वेक्टर ऐसे नीचे होगा, ऐसे नीचे, और वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एक्स की ओर है, तो एक इधर और एरिया वेक्टर नीचे, तो दोनों के बीच फिर से एंगल 90 होगा, इससे भी जीरो। ये जो सामने वाला सतह दिख रहा है, मैं नाम कर देता हूं ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो सामने वाला सतह आप लोग को दिख रहा होगा, देखिए ए डी ई एफ दिख रहा है, ए डी ई एफ सामने वाला सतह, जी सर। तो ये जो सामने वाला सतह मेरे बच्चों ए डी ई एफ दिख रहा है, अगर इससे फ्लक्स निकाले ए डी ई एफ से, तो ऑब्वियस सी बात मेरे बच्चों इस सतह से भी फ्लक्स आपका कितना हो जाएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि इस पे क्षेत्रफल एरिया वेक्टर इधर होगा और वैद्युत क्षेत्र इधर है एक्स की ओर, तो 90 डिग्री कोण होगा, देखिए तो इससे भी जीरो, और उधर जो इस सामने वाला का जो पीछे सतह है, देखिए बी सी एच जी, तो उससे भी जीरो हो जाएगा। तो मैं इस चीज को लिख देता हूं, ठीक है ना, किसके किसके लिए, फॉर सरफेस, नाम बताइएगा, आप हिंदी में लिख सकते हैं सतह इतना इतना के लिए, फॉर सरफेस, ऊपर वाला कौन है, बी सी डी ए, फॉर सरफेस बी सी डी ए कॉमन, नीचे वाला एच ई एफ जी, एच ई एफ जी कॉमन, सामने वाला ए डी ई एफ, ए डी ई एफ, एंड पीछे वाला बी सी एच जी एंड बी सी एच जी। तो ये जो सरफेस दिख रहा है, ये फॉर सरफेस, ये एंगल बिटवीन, हिंदी में ही बोल देता हूं, एंगल बिटवीन किसके किसके बीच बताइए, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, एंड इलेक्ट्रिक लिख लीजिएगा फील्ड इज 90 डिग्री, सो फ्लक्स इज जीरो, मतलब ये चार सरफेस हो तो फ्लक्स आपका जीरो हो गया। बाकी बचा दो सरफेस, कौन कौन सा, ये बी ए एफ जी, ये वाला इधर वाला, और एक उधर वाला सी डी ई एच, तो ये दो सरफेस। इसको हिंदी में लिख सकते हैं कि सतह ये के लिए क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण 90 डिग्री है, अतः उससे पास करने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए अब दो सतह बचा, दो सतह के लिए एंगल जीरो नहीं है, एंगल 90 नहीं है, देखिए कैसे एंगल 90 नहीं है। अगर आप इस सतह की बात करोगे मेरे बच्चों, ये सतह बी ए एच एफ, तो ये सतह ऐसे है, तो इसके लिए एरिया वेक्टर मेरे बच्चों ऐसे होगा, बंद सतह में बाहर लेते एरिया वेक्टर, और वैद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है एक्स की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है एक्स की ओर, तो इस सतह के लिए क्षेत्रफल सदिश
और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच कोण 180 डिग्री होगा। इस सतह की बात करेंगे सी डी ई एच। तो सी डी ई एच के लिए मेरे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, देख लो यस। एरिया वेक्टर भी इधर है मेरे बच्चों, यस देख रहे हो यस। तो दोनों के बीच का कोण कितना है, जीरो डिग्री। किसके लिए, सी डी ई एच के लिए। तो इससे भी फ्लक्स पास करेगा, उधर वाले से भी फ्लक्स पास करेगा। तो यहां जीरो डिग्री है, वहां 180 डिग्री, दोनों से फ्लक्स निकालना पड़ेगा। परंतु 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 ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में था, परंतु एनसीईआरटी में ई का मान समान था दोनों जगह। यहां ई का मान बजावते दे रखा है, देखिए ई का मान कितना दे रखा है, तो ई का मान दे रखा है अल्फा एक्स, अल्फा का मान 500 है, यानी कि ई का मान यहां 500x दे रखा है, स्मरण 500x। तो अगर हम इस जगह पे व्यवधूत क्षेत्र निकाल दें, इस जगह पे इस सतह के लिए, सतह बी ए एफ एच के लिए, तो इसका कितना दूरी होगा, 0.1 मीटर दिया हुआ है ना, और इसका दूरी कितना होगा 0.2, क्योंकि ये 0.1 ये 0.1, तो यहां से इसका दूरी हो जाएगा 0.2। तो मैं लिखता हूं सरफेस किसके लिए, बी ए एफ जी। देखिए बी ए एफ जी की अगर बात करें तो उसके लिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो 500 एक्स है मेरे बच्चों, तो 500 एक्स की वैल्यू 0.1, यानी कि उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 50 न्यूटन पर कूलम यहां पे। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 50 न्यूटन पर कूलम इधर है मेरे बच्चों, और एरिया वेक्टर इधर है, तो उससे अगर फ्लक्स निकालेंगे तो ई ए कॉस थीटा होता है फ्लक्स की वैल्यू, ठीक, ई की वैल्यू 50, एरिया की वैल्यू बात करेंगे तो ऑब्वियसली बात 0.1 × 0.1 साइड इनटू साइड होता है, स्क्वायर शेप का हो जाएगा ना ये, या स्क्वायर शेप का ना होगा, तो साइड इनटू साइड एरिया, और थीटा 180 कॉस 180, तो कॉस 180 कितने का होता है, -1, तो एक सेक चला गया 0.1 / 10, तो 5/10 कितना 0.5 आ जाएगा। इससे फ्लक्स पास किया इससे, और उससे फ्लक्स अगर पास करेंगे कौन सा सरफेस, सी डी ई एच, इससे फ्लक्स पास करेंगे सी डी ई एच, ठीक है, सरफेस सी डी ई एच, ठीक है। तो सी डी ई एच से अगर फ्लक्स निकालेंगे तो उसके लिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड 500x का है, तो 500 हो गया, और इस पॉइंट के लिए, इस सरफेस के लिए जो दूरी होगा वो 0.2 मीटर, 0.1 0.0.2, तो 0.2 मतलब 2/10 कट जाएगा, तो कितने का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 100, ठीक है। तो अगर इससे फ्लक्स निकालेंगे, यहां मैं लिखता हूं, इससे अगर फ्लक्स निकालेंगे तो ई ए कॉस थीटा, वन सेकंड मेरे बच्चों, इससे फ्लक्स निकालेंगे तो फ्लक्स का फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा, ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, हाँ 100 इसके लिए हो जाएगा, एरिया 0.1 × 0.1, और थीटा 0 डिग्री, कॉस 0 मेरे बच्चों 1 होता है ना, यहां माइनस छूट गया, कॉस 180 माइनस भी होता है, सॉरी एक से कट गया, 5 × 10 = 0.5, हाँ सही है, कॉस 0 1, तो सॉल्व करोगे तो ये पूरा खत्म होकर 1 आ जाएगा। तो सोचिए कि इधर वाले से फ्लक्स 1 पास किया, उधर वाले से फ्लक्स 0.5 - 0.5 पास किया, तो टोटल फ्लक्स कितने का होगा, टोटल फ्लक्स लिख लीजिएगा पूरा कुल फ्लक्स, तो 1 से 1 और 1 से मेरे बच्चों -0.5, सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों तो आ जाएगा 0.5 का फ्लक्स। फ्लक्स का यूनिट या तो वोल्ट मीटर लिख लीजिए, या जो यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, वो भी लिख सकते हैं, तो इतना 0.5 वोल्ट मीटर, आइडिया लगा। इससे टोटल फ्लक्स निकल गया, देखिए हाँ 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। अब क्या कह रहा है इसी क्वेश्चन में, बी में, किसके अंदर चार्ज कितना बंद है, तो ऑब्वियस ही बात फ्लक्स निकल गया, तो चार्ज के लिए निकाल लीजिए, कौन सा फॉर्म लगाइएगा चार्ज के लिए, फ्लक्स इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड, फ्लक्स इक्वल टू गॉस थ्योरम, इससे टोटल फ्लक्स निकल गया, इस क्यू से तो चार्ज निकाल सकते हैं ना, क्यू इनक्लोज्ड वाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स, तो यहां से क्यू इनक्लोज्ड निकालेंगे तो फ्लक्स आपको पता है मेरे बच्चों 0.5, अंदर में क्यू इनक्लोज्ड क्यू हो गया, एप्सिलॉन नॉट इधर इनटू कर दीजिएगा, 8.85 × 10⁻¹² होती है इसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की, तो इनटू कर दीजिएगा तो अंदर में क्यू निकल जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार 5 नंबर में पूछा है, नोट करिए इसे, ओके। हाँ ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना 5 मार्क वाला, ये कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा और बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बोर्ड मॉडल है और आपको पेशेंस के साथ सीखना पड़ेगा। सोचिए जरा कि 2 नंबर वाला या 1 नंबर वाला, 2-3-4 को बनाएंगे तब ये अकेले क्वेश्चन के बराबर है, तो क्यों ना इसको बढ़िया से सीख ले। चलिए सीखिए, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पढ़िए क्वेश्चन में कह रहा है कि समान द्रव्यमान एम के 2 पिथ बॉल,
समान लंबाई एल के सिल्क से बने धागों से एक ही बिंदु पर लटकाए गए हैं, ओके। दोनों पर समान आवेश क्यू दिए गए हैं। दिखाएं कि कोण थीटा के छोटे मान के लिए, अगर थीटा छोटा हो तो देखिए पढ़िए, कह रहा है कि दिखाएं कि थीटा का जब मान छोटा हो तो थीटा के छोटे मान के लिए क्या पूछ रहा है, पढ़िए समझिए। थीटा के छोटे मान के लिए उनके बीच का जो दूरी एक्स है वो इतना, इसमें फिगर मैं देता हूं मेरे बच्चों, ये देखिए फिगर मैं अभी दे रहा हूं आप लोगों को इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिगर देखिएगा समझिएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर अगले बार में मैं फिगर दिखाता हूं दूसरे पेज में। क्वेश्चन पढ़ लिए चलिए देखिए क्वेश्चन क्या करें, ले पेज में इतना आप क्या करें, इसमें सॉल्व कर दें, हाँ इसी में सॉल्व कर देते हैं, चलिए इसमें सॉल्व कर देते हैं इस पेज में, ठीक है। तो इस तरह का फिगर दिया गया, देखिए सिल्क की लंबाई है एल लेंथ का धागा से मेरे बच्चों हम बांध दिए, ये देखिए सिल्क है मेरे बच्चों एल लेंथ के धागा से ऐसे है देख लो, यस सर, और ऐसे है देख लो, यस सर, और एल लेंथ के धागा से हम चीजों को बांध दिए, ओके, एल लेंथ के धागा से, इधर भी एल लेंथ का धागा है, इधर भी एल लेंथ का धागा है, ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि एंगल हमारा थीटा दिया हुआ ये वाला, यहां से देखिए, हाँ तो इस सिल्क के धागा में अगर यहां भी पिथ पॉल में आवेश क्यू देंगे, यहां भी क्यू देंगे, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, विकर्षित करेगा, नहीं। अब बोलोगे सर ऐसे टांग फैला करके क्यों बनाए फिगर, तो ये वाला जो चार्ज ए है मेरे बच्चों समझिए, इस बी को इधर धक्का देगा, इधर बल लगाएगा ए, और बी इस पे इधर बल लगाएगा, तो दोनों एक दूसरे को धक्का देगा, इसलिए दोनों ऐसे फैला के बैठा हुआ है, ठीक है। देखिए तो कह रहा है कि ये कोण थीटा दे रखा है फिगर में, और ये दूरी यहां से यहां टोटल दूरी x दिया है, तो ऑब्वियस ही बात x बाई टू ये आधा हो जाएगा, इधर भी आधा वाला ये दूरी x बाई टू होगा। तो प्रश्न में कह रहा है कि x का मान निकालिए, यही कह रहा है कि सिद्ध करिए कि बीच का दूरी, कौन सा क्वेश्चन था, हाँ बीच का दूरी जो होगा x वो इतना होगा, ये प्रूव करने कह रहा है। चलिए देखिए कैसे निकालूंगा दूरी, इसमें देखिए प्योरली इलेवेंथ का कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चों, प्योरली अगर आप इलेवेंथ पढ़े तो समझ पाएंगे, नहीं तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या कैसे बनेगा, देखिए कैसे बनेगा, एक सेकंड, हाँ देखिए कैसे बनेगा कि ये जो चार्ज है, देखिए ये भी रुका रहेगा मेरे बच्चों, ठीक है ना, एक सेकंड, हाँ ये भी चार्ज रुका रहेगा, कुछ देर के बाद ये भी रुका रहेगा, तो इस चार्ज पे इधर टेंशन बल लगेगा, रस्सी टेंशन लगाएगा, और नीचे इस पे ग्रेविटेशनल बल लगेगा mg, और ये रुका रहेगा, बस इस पे फोर्स बैलेंस कर दीजिए, ठीक है, बस कुछ नहीं फोर्स बैलेंस करिए। तो मुझे कुछ बातें बताइए जल्दी जल्दी, थोड़ा समझ में हमको आएगा। देखिए इस बॉल का, इसका या इसका किसी का भी फिगर बनाते हैं तो पहले ये समझ में आया कि दोनों ऐसे फैल करके क्यों बैठा हुआ है, जी क्योंकि ये इसको इधर धक्का देगा, ये इसको इधर धक्का देगा, दोनों पे समान चार्ज है, तो रिपेल करेगा, विकर्षित करेगा, तो थोड़ा दूर जाकर रुक के स्थिर हो जाएगा, जब नेट बल जीरो होगा तो स्थिर हो जाएगा। तो किसी के भी स्थिर की बात करेंगे तो देखिए इस पे इधर लगेगा बल, कौन सा, एफ ए, जो ए बल लगाएगा, एफ ए कितने का होगा बताइए, ए कितने का बल लगाएगा, के इंटू इस पे चार्ज क्यू इंटू क्यू, अब बीच का दूरी एक्स स्क्वायर, सही बोला क्या, देख लीजिए के क्यू वन क्यू टू बाई एक्स स्क्वायर ये दूरी लगाएगा, नीचे मेरे बच्चों हमारा बल लगेगा एम जी, इधर ये लगाएगा नीचे एम जी लगाएगा, ठीक है, और वो कोण अगर थीटा है मेरे बच्चों तो ऑब्वियस सी बात जो टेंशन टी है इसका इधर होगा टी कॉस थीटा और इसका इधर होगा टी साइन थीटा, देख रहे हो, यस सर, टेंशन टी का इधर होगा टी कॉस थीटा, इधर होगा टी साइन थीटा, तो मतलब टी लग रहा है इधर लेकिन टी का मैंने कंपोनेंट तोड़ दिया, इधर टी कॉस थीटा इधर टी साइन थीटा, बस हो गया। बार बार ना कैमरे बंद हो जा रहा है, समझे प्रॉब्लम यहां ही आ रहा है, आप लोग एक दूसरा कैमरा लेना पड़ेगा। आप लोग शेयर लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए मुझे भी, ले फिर बंद हो गया, प्रॉब्लम यही आ रहा है कि बार बार ना कैमरे बंद हो जा रहा है। आप लोग शेयर सपोर्ट करिए मेरे बच्चों, लाइक शेयर सपोर्ट करिए, एक दूसरा लेना पड़ेगा कैमरा, आप लोग का सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो मैंने बोला मेरे बच्चों आप लोगों से कि देखिए इलेवेंथ पढ़ेंगे तो अच्छे से ये समझ में आएगा कि टेंशन का जो इधर कंपोनेंट आया ना, ये बहुत बार पूछा है क्वेश्चन भाई, तो टेंशन, इस टेंशन का इधर कंपोनेंट मिलेगा टी कॉस थीटा, मतलब कि ये जो टेंशन है, टेंशन फोर्स जिसको तनाव बल बोलते हैं, ये वैद्युत बल और ये गुरुत्वाकर्षण बल तीनों मिलके बैलेंस है, तो टेंशन का इधर कंपोनेंट टी कॉस थीटा इधर टी साइन थीटा, तो टी कॉस थीटा जो घटक आया कंपोनेंट वो इसको बैलेंस करेगा।
30 साइन थीटा इसको बैलेंस करेगा, ओके, और ये बॉडी रुका हुआ रहेगा, ओके। तो 30 साइन थीटा जो होगा मेरे बच्चों वो किसको बैलेंस करेगा, 30 साइन थीटा बैलेंस करेगा एफ को, यानी के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ठीक, यस सर। टी कॉस थीटा जो बैलेंस करेगा वो किसको बैलेंस करेगा, एम जी को, देख रहा था, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, यहां से डिवाइड करिएगा तो टी से टी कट जाएगा, साइन बाई कॉस हमारा टैन थीटा आ जाएगा, टैन थीटा इक्वल टू कितना होगा, के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, यस, इन टू एम जी, ये आ जाएगा। अच्छा एक चीज और, एक चीज और, छोटा, देखिए ये प्रूफ करना है ना, 2 पाई के की वैल्यू पुट कर लीजिएगा, छोटा एंगल के लिए क्या होता है जानते हैं, छोटा एंगल के लिए जो होता है मेरे बच्चों वो, एक सेकेंड, ये डिस्टेंस x दिया है, रस्सी का लेंथ l दिया है, तो tan थीटा निकाल के, हाँ tan थीटा यहां से निकाल के पुट कर दीजिए, tan थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस ना, tan थीटा निकालेंगे तो लंब बटा धार होगा, तो tan थीटा यहां निकालना पड़ेगा, लेकिन एंगल ना काफी छोटा है मेरे बच्चों, काफी छोटा कोण है, तो छोटे कोण के लिए tan थीटा sin थीटा समान होता है, इस चीज को मैं लिख देता हूं, सिंस एंगल इज वेरी स्मॉल, देखिएगा, सिंस एंगल इज वेरी स्मॉल, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है एकदम, एंगल इज वेरी स्मॉल, तो एंगल वेरी स्मॉल है तो उस समय tan थीटा की वैल्यू sin थीटा के बराबर होता है, ठीक है, क्योंकि आप tan थीटा से भी निकालेंगे तो आंसर वही आना, तो sin थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, लंब बटा कर्ण, तो यहां से आ जाएगा x by 2 by l, यानी x by 2 l, ये आ जाएगा sin थीटा या tan थीटा की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हो गई x by 2 l इक्वल टू k की वैल्यू कितनी होती है, 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू, और ऊपर में हो गया क्यू स्क्वायर ना, क्यू स्क्वायर, ओके, के की वैल्यू है ऊपर में क्यू स्क्वायर, यहां एक्स स्क्वायर एम जी, आइडिया लगा मेरे बच्चों, तो एक्स स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे मेरे बच्चों तो ये एक्स क्यूब के बराबर होगा, देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो एक्स क्यूब के बराबर वो उधर इंटू हो जाएगा, तो आ जाएगा 2l क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2l क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी, देख रहे हैं, यस मेरे बच्चों, उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 2l क्यू स्क्वायर, देखिए 2l क्यू स्क्वायर और x क्यूब 4 पाई एप्सिलॉन एम जी, यहां से चलिए निकल गया, इसका क्यूब रूट हो जाएगा, कट जाएगा 2 से 2 दूना 4, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो ऊपर में l क्यू स्क्वायर और नीचे में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी का पावर 1/3, ये क्यूब इस साइड जाएगा तो पावर में 1/3 आ जाएगा, ये देखिए हो गया प्रूफ, बना लेंगे, ये पहले बनाया है फिर ये लिखा है, मतलब कि आप देख लीजिएगा एक बार वीडियो, आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा, दोबारा समझ में आ गया स्टूडेंट्स, क्लियर, यस, तो आशा करते हैं स्टूडेंट्स की समझ गए होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आना बाकी है पूरा मेरे बच्चों, सारी चीजें आने बाकी हैं, चैप्टर 2 का भी सारा चीज आना बाकी है, मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, आप भी रेगुलरली मेहनत करिए मेरे साथ साथ, दिल लगा के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, लाइफ में यूं आगे जाइए, शेयर करिएगा वीडियो को, काफी रात हो चुका है फिर भी आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि हल्ला कम हो और नॉइज वीडियो में कम आए, काफी रात हो चुका है, घर में सब सो चुके हैं, बस आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके मेहनत के लिए, तो शेयर जरूर करिएगा, आप लोग शेयर नहीं करते तो काफी डीमोटिवेट हो जाता है, इतना सारा प्रॉब्लम आया, 2-3 दिन बाद कैमरा बंद हो जाता है, फिर से शुरू से रिकॉर्ड करना पड़ता है, फिर कट करना पड़ता है, कभी कभी वीडियो मेमोरी कार्ड में ही नहीं आता, रिकॉर्ड हो जाता है मेमोरी कार्ड में नहीं आता प्रॉब्लम के कारण, बट मैं कर रहा हूं मेहनत, थैंक यू मेरे बच्चों, मिलता हूं आप लोगों से अगले वीडियो में, शेयर करिएगा, जय हिंद, वंदे मातरम।